Hello friends, welcome to English Kingdom, and this is Shivam Dubey from English Kingdom, Katra, Prayagraj. And after completing synthesis, now we move towards transformation, and we will go faster here. So you have seen कि हमने यहाँ पर already कुछ topics आपको highlight कर रखा है, जिनको हमें यहाँ पर study करना होगा. टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वी हैव सम टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस हियर दैट इज हियर लाइक इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज इंटरचेंज ऑफ वायर्स इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस रिमेंबर यहां पर दो जगह पर सेंटेंसेस के चेंजेस को दिखाने के लिए लिखा गया है जो ये आपके सेंटेंसेस के चेंजेस को रखा गया है वो बेस्ड ऑन मीनिंग जो आप असर्टिव इंट्रोगेटिव इंपरेटिव ऑब्जेक्टिव एक्सक्लामेटरी करते हैं हम उन चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं नेक्स्ट यहां पर है इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कई बार हम लोग वर्ब से नाउन नाउन से एडजेक्टिव एडजेक्टिव से एडवर्ब एडवर्ब से नाउन लाइक दैट हम लोग कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंटरचेंज करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे एक तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो चेंजिंग होता है वह फॉर्मेशन को शो करता है एक दूसरे को बनाने को शो करता है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस यहां पर जो इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस को दिखाया गया है ये एक्चुअली इंटरचेंज ऑफ जो सेंटेंस है वो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है जो अभी आप सिंथेसिस में स्टडी करके आए हैं सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स उनके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे बहुत आसान होगा क्योंकि ऑलरेडी आप सिंथेसिस में इनको स्टडी कर चुके हैं इंटरचेंज ऑफ टू एंड सो इन्हें भी आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं टू को सो में कैसे चेंज करना और सो को टू में कैसे चेंज करना इनके बारे में हमें स्टडी करना होगा तो ये कुछ टॉपिक्स होंगे जिनको हम लोग इस पार्ट्स में या इस पार्ट्स ऑफ ग्रामेटिकल स्टडी में हम लोग इंक्लूड करेंगे शामिल करेंगे और इनके जरिए हम लोग सेंटेंसेस को डेवलप भी करेंगे हमने पहले भी आपको हिंट किया था या इनफैक्ट कहिए कि आपको बताया था कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है इट इज पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन जैसे हमारे लिए सेंटेंसेस था ऑलमोस्ट उसी तरह से यह भी होता है और यह भी हमारे लिए कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा कॉम्प्रिहेंशन चूंकि आजकल जो मॉडर्न एग्जाम पैटर्न्स हैं या एजुकेशन सिस्टम है उनमें कॉम्प्रिहेंशन का जो स्कोप है वो बढ़ता हुआ लग रहा है इसकी वजह से हमें ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस नरेशन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा पैसेज स्टडीज पर जिससे हम स्कोर कर सके ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमें किस बात का ध्यान देना होता है एक्चुअली यहां पर आपको डिफाइन किया गया कि ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह का चेंजिंग होता है जिसमें हम फ्रॉम चेंजिंग ऑफ फॉर्म लेते हैं किसी फॉर्म को हम चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग सेंस मींस ये होता है कि हम सेंस को तो चेंज नहीं करते हैं बट उनके फॉर्म को चेंज कर दिया करते हैं फॉर्म को बदल दिया करते हैं उसे ही हम लोग यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन में स्टडी करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में ही आप ट्रांसलेशन को भी देख सकते हैं हालांकि वो लैंग्वेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है लेकिन वहां पर भी हम लोग सेंस को बदले बगैर चेंजिंग किया करते हैं दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि जो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज की यहां पर बात की जा रही है उन्हें किस तरह से स्टडी किया जाएगा एक्चुअली आप जानते हैं डिग्रीज जो होती है हमारे लिए तीन होती हैं थ्री डिग्रीज आर देयर पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इन तीनों डिग्रीज के बारे में आई होप कि हमने पहले भी आपको बता दिया है और होपफुली आपके माइंड में होगा भी कि इनको कैसे हम लोग स्टडी करते हैं और किस तरह से अपने सेंटेंसेस में यूज भी किया करते हैं
जब हम पॉजिटिव डिग्री का कॉम्बिनेशन लेते हैं, स्पेशली जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में हम ध्यान देते हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री का कॉम्बिनेशन ले वो या तो 100 पॉजिटिव डिग्री एस का कॉम्बिनेशन ले या फिर एस पॉजिटिव डिग्री एस का कॉम्बिनेशन लेता है, या फिर कभी कभी हम लोग इसमें वेरी फ्यू का कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसका यूज हम लोग किया करते हैं, या तीन कॉम्बिनेशन होता है जब हम लोग पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री में जब आते हैं एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमें जिन कॉम्बिनेशन को केयर करना पड़ता है उसमें एक सिंपल कॉम्बिनेशन होता है जहां पर आप डैन के साथ कॉम्बिनेशन लेते हैं कॉम्परेटिव डिग्री, और डैन का सिंपल कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है जहां पर हम लोग इसको डैन के साथ सुपरलेटिव जैसे कॉम्बिनेशन को लेते हैं, इनमें तीन पैटर्न बनते हैं डैन प्लस एनी अदर या फिर एनी अदर के अलावा ऑल अदर या फिर इनके अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स का यूज, एल्स का यूज। ओके, तीसरा जो स्टेप होता है कॉम्परेटिव डिग्री में उसमें हम लोग यूज किया करते हैं, अभी इनको हम डिफाइन करेंगे कब किसका यूज करना है। तीसरे कॉम्बिनेशन में हम जो कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं उसमें हम लोग देन के साथ मोस्ट या मेनी के साथ अदर का यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग सम का कॉम्बिनेशन भी लेते हैं और देन के साथ सेंस के बेस पर हम सम और इसके साथ अदर का कॉम्बिनेशन लेते हैं, या सम के साथ सीधे के सीधे हम लोग नाउन का यूज ले लिया करते हैं। ये कुछ खास कॉम्बिनेशन हमको मिलती हैं जो कॉम्परेटिव डिग्री में हम लोग यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में अगर बात की जाए तो सुपरलेटिव डिग्री में सिंपली हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ ऑफ का कॉम्बिनेशन लेते हैं, या अगर जरूरत पड़ी तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग इनका कॉम्बिनेशन लिया करते हैं। और इसके अलावा जो सुपरलेटिव डिग्री का हमें रिक्वायरमेंट होता है वो वन ऑफ का कॉम्बिनेशन लेता है, वन ऑफ के साथ सुपरलेटिव डिग्री का कॉम्बिनेशन हुआ करता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग इस कॉम्बिनेशन को तो यूज करते ही हैं, कभी कभी ऑल का कॉम्बिनेशन भी ले लिया करते हैं, जहां पर सुपरलेटिव डिग्री के साथ ऑल का कॉम्बिनेशन हुआ करता है, मतलब आप सुपरलेटिव डिग्री लेते हैं उसके साथ ऑफ का यूज करके ऑल का कॉम्बिनेशन लेते हैं, और यहां पर नाउन, रिमेंबर ऑल के साथ इनके साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप अदर का यूज नहीं कर सकते। मोस्ट यूजेस आपको सुपरलेटिव में इस तरह से मिलते हैं। अब हमें यह पहचानना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है कब किसमें यूज किए जाते हैं। ओके, पहले ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है सो और एज का, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग मैक्सिमम जो यूज करते हैं वह देन के लिए करते हैं, जो सिंपल कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसका ही अगर हम जब सुपरलेटिव में आते हैं तो सुपरलेटिव में हम लोग ऑफ और एनी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके साथ यूज कर लिया करते हैं, इस कॉम्बिनेशन इसका यूज हो जाता है। दूसरा जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से, कभी कभी हम लोग ये कॉम्बिनेशन लेते हैं और यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा
वेरी फ्यू का तो यूज करेंगे साथ साथ नो का कॉम्बिनेशन लेते हैं, नो अदर का कॉम्बिनेशन लिया करते हैं, और इसके साथ का कॉम्बिनेशन हम लोग जो लिया करते हैं उसका भी एक अलग पैटर्न होता है। वेरी फ्यू का भी कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव डिग्री के रूप में हम लोग लिया करते हैं। जब हम लोग नो अदर का कॉम्बिनेशन लेते हैं इस कंडीशन में भी हम लोग सुपरलेटिव के कॉम्बिनेशंस को दिखाने वाले इन पार्ट्स को लिया करते हैं। आप यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, बाद में हम अलग अलग सारे को एक्सप्लेन करेंगे, बट यहां पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नो अदर का जो कॉम्बिनेशन पॉजिटिव डिग्री का होता है उसे अगर आपको कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना होता है तो दैन के साथ एनी अदर लेते हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा, एनी अदर के बाद आपको सिंगुलर नाउन को लेना है, जबकि ऑल अदर को लेंगे तो प्लूरल नाउन को लेंगे, और अगर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आपने रखा तो एल्स का यूज जरूर करिएगा, ठीक है। दूसरी ओर अगर इसी नो अदर कॉम्बिनेशन को आपको चेंज करना हो तो नो अदर कॉम्बिनेशन को आप वन ऑफ के साथ भी चेंज कर सकते हैं, और इस वन ऑफ को ही आप वन ऑफ के कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन इस तरह से बन जाते हैं कि नो अदर को हम लोग देन के साथ एनी अदर में चेंज कर सकते हैं या फिर वन ऑफ के सेंस में चेंज कर सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। इस तरह से अगर आप कॉम्बिनेशन को देखें तो एक बार और आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर जैसे हम लोग अगर नो अदर का कॉम्बिनेशन पा रहे हैं तो नो अदर हमें सुपरलेटिव के कॉम्बिनेशन में लेकर जाता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव में हमने नो अदर का यूज किया तो उसका सेंस सुपरलेटिव होता है, और अगर उसी को कॉम्परेटिव में हमने देन के साथ एनी अदर पे यूज किया फिर एक सिंगुलर नाउन ले लिया, ऑल अदर पे यूज किया फिर एक प्लूरल नाउन ले लिया, या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन पे यूज किया उसके साथ एस ले लिया, तो यह होता तो अपने फॉर्म में कॉम्परेटिव डिग्री में है बट ये सेंस जो देता है सुपरलेटिव का देता है। इसी तरह से ओके यहां पर ध्यान रखिएगा, एक ये मिस्टेक थोड़ा सा हो गया इसको आप चेंज करेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव के कॉम्बिनेशन में वो ऑफ और इन के कॉम्बिनेशन में चला जाता है। अभी जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा कि जो नो अदर का कॉम्बिनेशन है अगर आप कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन लेंगे कि दैन के साथ एनी अदर ऑल अदर या इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज करेंगे एल्स के साथ, ठीक है। और अगर आप इसको सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो सिंपली सुपरलेटिव चेंज करने के लिए आप ऑफ या फिर इन का कॉम्बिनेशन लेकर के चेंज कर दिया करते हैं, वहां पर कोई अलग से कोई और वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से अगर आप देखिए तो ये जो फ्यू का कॉम्बिनेशन है वेरी फ्यू, ठीक है ना, ये तो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री में आता है, और अगर इसको कॉम्परेटिव में चेंज करना होता है तो सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, देन उसके साथ मोस्ट या मेनी को यूज कर लेते हैं और फिर अदर का यूज करके नाउन या प्रोनाउन लेते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर यहां पर जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा होता है वो प्लूरल आ रहा होता है, ठीक है, या फिर कभी कभी जरूरत पड़ने पर हम इसको सम अदर में भी चेंज कर देते हैं और यहां पर भी प्लूरल ही नाउन या प्रोनाउन आया करता है। अगर यह कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है और इस कॉम्बिनेशन को हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना हो जाए तो सुपरलेटिव डिग्री में हम चेंज करने के लिए इसको वन ऑफ के कॉम्बिनेशन में लेकर आते हैं, ये फिर वन ऑफ में चेंज हो जाया करता है जिसमें हम सुपरलेटिव का सेंस लेते हैं, और उसी सुपरलेटिव के सेंस में हम कभी कभी जरूरत पड़ने पर ऑल का कॉम्बिनेशन लेकर के भी यूज किया करते हैं। तो यह कॉम्बिनेशन दो पार्ट्स में आपके लिए हो रहा है, ठीक है ना। अगर कभी पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आया है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, तो कॉम्परेटिव बनाने के लिए हम देन के साथ क्या यूज करते हैं, मेनी के साथ अदर या फिर मोस्ट के साथ अदर और प्लूरल नाउन, या फिर सेंस के अकॉर्डिंगली हम यूज कर लेते हैं देन के साथ सम अदर और प्लूरल नाउन, यहां पर प्लूरल नाउन रहेगा, ठीक है। और अगर इसको हमें कभी चेंज करना पड़ गया सुपरलेटिव में तो हम क्या करते हैं, इसी कॉम्बिनेशन को सुपरलेटिव चेंज करने के लिए या तो हम वन ऑफ का कॉम्बिनेशन लेकर के आ जाते हैं या फिर सुपरलेटिव के साथ
ऑल का कॉम्बिनेशन लेकर के हम अदर का यूज नहीं करते। ध्यान रखिएगा सुपरलेटिव के साथ जब ऑल आता है तो उसके साथ अदर का यूज कभी भी नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर आप ऑल के यूज करेंगे तो उसके साथ अदर का यूज नहीं करेंगे, इस तरह सुपरलेटिव में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट आपके पास है इन्हें सॉल्व करने, इन्हें हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। और सॉल्व करने के तरीके अपना, अगर हम डिग्रीज को चेंज कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, आइए चलते हैं इन बातों को। ये फैक्ट अपने दिमाग में रख लीजिए क्योंकि ये इंटरचेंज है, ठीक है ना। कभी हमें सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव चेंज करना हुआ तो कौन सा कॉम्बिनेशन आया है यह पहचानिए, और दूसरा उसका कौन सा कॉम्बिनेशन है उसमें चेंज कर दीजिए। सिंपली जब हम लोग सो और एस का यूज लेते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री में, तो सिर्फ कॉम्परेटिव बना पाता है क्योंकि उसकी कंडीशन में ऑलमोस्ट दो लोगों का ही कंपेरिजन हो पाता है, और सुपरलेटिव डिग्री दो से अधिक लोगों की बात करती है, इसलिए जो सो और एस का केवल कॉम्बिनेशन हो जाता है उस सो और एस के कॉम्बिनेशन में हम लोग सुपरलेटिव डिग्री को चेंज नहीं करते हैं। तो वह क्या हो सकता है, सो और एस वाले कॉम्बिनेशन को हम देन में चेंज कर देते हैं सिंपली, या सिंपली देन वाला कॉम्बिनेशन सो और एस में चेंज हो जाता है, ठीक। लेकिन जब नो अदर का कॉम्बिनेशन होता है तब, तो अगर पॉजिटिव में नो अदर का कॉम्बिनेशन है तो कॉम्परेटिव बनाने के लिए हम देन के साथ एनी अदर का कॉम्बिनेशन ये यूज करते हैं, और सुपरलेटिव में हम लोग ऑफ या इन जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग यूज करके कॉम्बिनेशन बनाया करते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव में वेरी फ्यू आया होता है तो उस कंडीशन में हम लोग जो कॉम्परेटिव का कॉम्बिनेशन लेना होता है उसमें देन के साथ मोस्ट अदर या मेनी अदर का यूज करते हैं प्लूरल नाउन के साथ, या अगर सेंस अलाउ करता है तो देन का यूज करते हैं सम और अदर के कॉम्बिनेशन के साथ। अगर इस कॉम्बिनेशन को, क्योंकि हमें तीनों में चेंज करना हो सकता है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव, तो सेंस के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उन्हें कभी कभी वन ऑफ में भी चेंज कर देते हैं, और कभी कभी जरूरत पड़े तो उसको ऑल के कॉम्बिनेशन में ले जाकर के भी चेंज कर दिया करते हैं, ठीक है। अब इन कॉम्बिनेशंस को जिनको हम लोग थियोरी में ले रहे थे, चलिए कुछ एग्जांपल्स के जरिए देखने की कोशिश करेंगे। ये फैक्ट याद रखिएगा कि हम कौन से कॉम्बिनेशन को कब यूज करेंगे, इसके अलावा कुछ इसके बेसिक एलिमेंट हैं उसको आप ध्यान रखो, ठीक है। बेसिक एलिमेंट क्या है, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में सिमिलर रिलेशन होता है जबकि पॉजिटिव में अपोजिट रिलेशन होता है। मतलब जब आप इस तरह समझिएगा, मान लीजिए आपको ये पॉजिटिव डिग्री मिला, ठीक, और फिर आपको ये कॉम्परेटिव डिग्री, आगे फिर आपको सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपको इस पॉजिटिव डिग्री से, पॉजिटिव डिग्री वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक, उसको आप किसमें ले जा रहे हैं, कॉम्परेटिव डिग्री, या फिर उसको कहां ले जा रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री। सिंपली कॉन्सेंट्रेटेड रही, सारी चीजें समझ में आ रही। ऐसे कंडीशन में हम लोग अपोजिट रिलेशन लेते हैं। अब अपोजिट रिलेशन का मतलब क्या है इसको समझिए, दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट रिलेशन, अपोजिट रिलेशन। अपोजिट रिलेशन के दो मतलब है, ठीक है, सेंटेंसेस में चेंजेस और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के प्लेसेस में चेंजेस। तो पहले पॉइंट, सब्जेक्ट बिकम्स कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरी पॉइंट, ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और जैसे वायस में आप लोग करते हैं उसी तरह से, कॉम्प्लीमेंट बिकम्स सब्जेक्ट, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरी बात यह होता है कि जब आप पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में आ रहे हैं तो अपोजिट का एक और मतलब होता है। ये तो आपने सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के प्लेसिंग से रिलेट किया, ठीक है ना,
अब दूसरा जो होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अगर आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव में या पॉजिटिव से सुपरलेटिव में आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा सेंटेंसेस जो होते हैं इंटरचेंजिंग को शो करते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव, मतलब ये जो होते हैं अफर्मेटिव, अगर पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में हुआ तो वो कंपैरेटिव में क्या बन जाता है, नेगेटिव, ठीक है, और अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में ना होकर नेगेटिव होगा तो कंपैरेटिव डिग्री क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव, ठीक है ना। ध्यान ये रखिएगा मैंने बताया दोनों के लिए रूल है। अब जैसे मैं इस सेंटेंस को सामने रख रहा हूं फिर इसको समझाता हूं उसके बाद आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, नो अदर बॉय इज सो इंटेलिजेंट एज रोहन इन द क्लास, ठीक। अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, यह सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। अगर आप देख रहे हैं तो सेंटेंस की शुरुआत में ही आपको नो वर्ड दे दिया, ये नेगेटिव है। अब ये अपने साथ कौन सी डिग्री लिया है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक। तो नेचुरल है कि हम इसको किस में चेंज करेंगे, या तो कॉम्परेटिव में या फिर सुपरलेटिव में, दोनों ही डिग्री में चेंज करते समय पहली बात का क्या ध्यान रखना है कि जो यहां का सब्जेक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट बनेगा और जो यहां का कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट बनेगा, ठीक। पहली बात समझ में। दूसरी बात यह है कि डिग्री चेंज करने के साथ साथ अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव चेंज हो जाएगा और निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यह सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो किसमें चला जाएगा, अफर्मेटिव में। तो सबसे पहले आप रोहन को यहां पर प्लेस कर लो, ये रोहन यहां आ गया, ठीक। रोहन इज, अब हमने आपको नो अदर वाले कॉम्बिनेशन में क्या बताया था कि नो अदर जब कॉम्बिनेशन आ जाए तो कॉम्परेटिव बनाने के लिए एनी अदर या ऑल अदर या इंडेफिनिट के साथ एल्स का यूज करिए, तीनों तरह से बना सकते हैं, मैं तीनों आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन, अगर आल के साथ यूज करते तो ऐसे बनेगा ऑल अदर बॉयज, अगर एनी अदर का यूज करते हैं सिंगुलर लेंगे एनी अदर बॉय, और अगर इसको इंडेफिनिट बनाना चाहते हैं, हालांकि जरूरत तो नहीं है कि बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से बनाएंगे एनीवन एल्स, उसके बाद बचा हुआ जो हिस्सा है इन द क्लास। आप देखिए ये कॉम्परेटिव डिग्री का जो सेंटेंस मैंने बताया बनाया है अफर्मेटिव है कि नहीं, आपको जो पॉजिटिव मिला था वो क्या था, नेगेटिव, और आपने कॉम्परेटिव बनाया तो क्या बना दिया, अफर्मेटिव, ठीक है। सब्जेक्ट का आपने कॉम्प्लीमेंट बना दिया, यहां देखिए बॉयज जो आए हैं तो वहां सब्जेक्ट था ना बॉय, और यहां पर कॉम्प्लीमेंट बन गया है, ठीक है ना, और जो वहां पर कॉम्प्लीमेंट रोहन था वो क्या बन गया, सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आते हैं, अगर किसी सेंटेंस को आपको सुपरलेटिव में चेंज करना हो तो क्या करेंगे आप, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट कहता है कि इंटरचेंज करो। अब मान लो कि कॉम्परेटिव नहीं है तो सिंपली हम सीधे सीधे पॉजिटिव से सुपरलेटिव ले आ रहे हैं, तो रोहन को पहले रख लो, रोहन। रूल्स याद करिए, जब नो अदर का कॉम्बिनेशन आपको बताया गया था तो ये बताया था कि सुपरलेटिव में चेंज करते समय सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऑफ या इन का कॉम्बिनेशन ले लेंगे और सुपरलेटिव डिग्री, बाकी और कोई चीजों को यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव बनेगा क्योंकि मैंने कहा ना इंटरचेंज होगा, अफर्मेटिव, मोस्ट इसका हो जाएगा इंटेलिजेंट
इसके साथ बॉय प्लेस का सेंस है इन द क्लास. सिंपली आपने बना दिया रोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास. अब यहां देखिए आपने सुपरलेटिव डिग्री का कॉम्बिनेशन लिया और उसके साथ इनका यूज किया, क्योंकि अगर जब प्लेस की बात होती है जगह की तो उसमें हम लोग इन पे यूज करते हैं, और अदर सेंसेस अगर होते हैं तो ऑफ पे यूज करते हैं. ठीक है, तो आपने समझा कि अगर हमको सेंटेंस अफर नेगेटिव में मिला हुआ था पॉजिटिव डिग्री का, तो हमने जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया उसको अफर्मेटिव में बनाया, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट बना दिया और कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट बना दिया. एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने आपसे कहा था कि अगर उसमें एज और एज का यूज किया गया हो या सो और एज का यूज किया गया हो तो उसे सुपरलेटिव में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आप देखिए ये सेंटेंस लेते हैं हम लोग, माय ब्रदर इज एज ऑनेस्ट एज your father in the office. Okay, अगर ये सेंटेंस आप देखिए, इस सेंटेंस के बेस पर अगर आप देखें तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या मिला, अब की बार जो आपको पॉजिटिव डिग्री का कॉम्बिनेशन मिला है वो कैसा है, अफर्मेटिव. इस बार तो नो नॉट ऐसा वर्ड प्ले नहीं है. ऐसी कंडीशन में ये सिंपल हो गया तो दो ही लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, जैसे ब्रदर और फादर के बीच, ब्रदर भी सिंगुलर है और फादर भी सिंगुलर है. ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब दो लोगों या दो वस्तुओं में कंपैरिजन होता है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज यूज्ड टू शो मोर देन टू थिंग्स, दो से ज्यादा वस्तुओं के लिए यूज की जाती है. तो इस वजह से दो के लिए अगर यूज होगा तो यह सेंटेंस, ऊपर वाले सेंटेंस में तो संख्या मालूम नहीं चल रही थी. ठीक है, इसलिए हम लोग उसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव दोनों में चेंज कर दिया. बट यहां पर जो कॉम्बिनेशन है तो मालूम हो गया कि एक ब्रदर और दूसरे फादर के बीच में ही कंपैरिजन है, तो दो लोग हो गए और दो लोगों के लिए हम कंपैरेटिव का यूज कर सकते हैं, सुपरलेटिव का यूज नहीं करेंगे. इस तरह सुपरलेटिव डिग्री तो नहीं बनेगी, बाकी रूल्स दोनों फॉलो करेंगे. मतलब आप जो कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट बनाते थे वो भी करेंगे, जो सब्जेक्ट होता था कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं वो भी करेंगे, और पॉजिटिव डिग्री में आपने यहां पर क्या देखा था, अफर्मेटिव सेंटेंस मिला था, तो इसको आप चेंज करते समय किस में चेंज कर देंगे, नेगेटिव चेंज कर देंगे. तो ये किस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से. सबसे पहले योर फादर को इधर कर दीजिए, आप सब्जेक्ट बनाइए, उसके बाद आप इसको यूज करिए नॉट. अब यहां पर ऑनेस्ट के साथ मोर का यूज होता है, इज नॉट मोर, ऑनेस्ट का कॉम्बिनेशन लीजिए, देन पे यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए. इसके बाद माय ब्रदर जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं या कॉम्प्लीमेंट का कॉम्बिनेशन लेते हैं, इन द ऑफिस, इन द ऑफिस. ओके, अब आप ये नोट करें कि आपने सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव चेंज कर दिया. ठीक है, लेकिन जो चेंजेस आपने किया वो ध्यान रखिए, यहां का जो फादर कॉम्प्लीमेंट था वो क्या बन गया, सब्जेक्ट, जो सेंटेंस अफर्मेटिव था वो क्या बन गया, नेगेटिव. तो आपको जो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है पॉजिटिव का रिलेशन किस तरह से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव के साथ होता है, उसे हम लोगों ने यहां दो एग्जाम्पल में क्लियर करने की कोशिश की है कि अगर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन लेकर आएगा पॉजिटिव डिग्री, तो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव दोनों को हम लोग अफर्मेटिव में बनाएंगे, और अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंटेंस लेकर आएगा तो कॉम्परेटिव डिग्री को हम लोग नेगेटिव में बनाएंगे. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, आई मीन डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव का रिलेशन तो समझ में आ गया कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव से किस तरह से होता है, और जो बाकी दो और बचे हैं इनका क्या रिलेशन है. पॉजिटिव को अगर हटा करके बात किया जाए
तो दो डिग्रीज बच गई हमारे पास, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। सवाल ये आता है कि जो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। एक्चुअली इनके बीच में सिमिलर रिलेशन होता है, या पोजिशन में फॉलो करते, सिमिलर को फॉलो करते, ठीक है। सिमिलर का मतलब दोनों सेम कॉम्बिनेशन में जाएंगे। अगर अफर्मेटिव होंगे तो दोनों ही अफर्मेटिव रहेंगे, और अगर निगेटिव होंगे तो दोनों निगेटिव होंगे। चलिए अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में अगर हम लोग इंटरचेंजिंग करते हैं, तो क्या यहां पर भी ये उस कॉम्बिनेशन को फॉलो करेंगे जिसमें हम लोग सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव के अपोजिट कॉम्बिनेशन फॉलो किया करते थे? नहीं। तो ये किस कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं? सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या हो गया कि अगर कॉम्परेटिव अफर्मेटिव है तो सुपरलेटिव भी अफर्मेटिव होगा, इसलिए इसको सिमिलर कहते हैं। और अगर कॉम्परेटिव हमारे लिए नेगेटिव बना हुआ है तो सुपरलेटिव भी हमारे लिए नेगेटिव ही बनेगा। दूसरी चीज, दूसरा सवाल, जो हम लोग सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के इंटरचेंज को करते थे, क्या वो हम फॉलो करेंगे? नो इंटरचेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, नो इंटरचेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आप चेंज करते थे वह अब नहीं होगा, जो सब्जेक्ट रहेगा वही सब्जेक्ट रह जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा वही कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा, ठीक है। जैसे आपको कुछ एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए मीरा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन the class, okay? अब इस कंडीशन में आप देखिए कि ये कौन सी आपने डिग्री ली है, सुपरलेटिव डिग्री। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव, ओके। अब इसको हम लोगों को क्या करना है? कॉम्परेटिव में चेंज करना है। तो कॉम्परेटिव में हम लोग क्या करेंगे? डिग्री का यूज करेंगे, कॉम्परेटिव प्लेस सेम रहेगा, ठीक है ना। अब यहां पर जब हमने आपसे बताया था कि जब सिंपली सबसे ज्यादा की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे उसको चेंज करने के लिए, ये सबसे ज्यादा का कॉम्बिनेशन ले रहा है ना, टॉलेस्ट बना रहा, तो इसमें हमने आपको बताया था कि एनी अदर के साथ सिंगुलर या ऑल अदर के साथ प्लूरल या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एस लगाकर आप इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं, प्लेस नहीं चेंज करेंगे। जैसे मेरा इज taller than all other girls, या अगर एनी अदर का यूज करेंगे तो सिंगुलर रखिएगा, एनी अदर गर्ल या एनी वन या एनी एवरी वन करके रखना होगा तो उसके साथ एल्स रखिएगा, जैसे एवरी वन उसके साथ एल्स का यूज करिएगा इन द क्लास। आप देखिए क्या आपने कोई चेंजिंग किया, पहले भी आपके लिए मीरा ही सब्जेक्ट थी जब आप सुपरलेटिव डिग्री में थे, और जब कॉम्परेटिव में चेंज किया तो भी मीरा ही रहेगी, जब आप सुपरलेटिव में थे तब भी अफर्मेटिव थी, और जब आप उसको सुपरलेटिव लेकर आए हैं तब भी आप अफर्मेटिव ही है। कोई चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। मतलब इसमें हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं? सिमिलर कॉम्बिनेशन। और जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के इंटरचेंजिंग हो रहे थे, दूसरे बदलाव हो रहे थे, उसे फॉलो नहीं करते। अगर इस सेंटेंस को चाहें हम कि पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना हो तो चेंज हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। चूंकि यह कॉम्बिनेशन सिंपली ऑल अदर गर्ल्स का कॉम्बिनेशन है, इसके लिए पॉजिटिव क्या आता है?
नो अदर. याद रखिएगा टॉलेस्ट का कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पर टॉलेस्ट के साथ इन हमने आपको बताया था ना, इसके लिए वन नो अदर का कॉम्बिनेशन आता है. तो चलिए इसको बना लेते हैं. अगर पॉजिटिव इसी सेंटेंस को चेंज करना हुआ तो कैसे चेंज हो जाएगा, तुरंत निगेटिव बन जा रहा है. नो अदर गर्ल इज सो टॉल एज, सब्जेक्ट का यहां देखिए कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, मेरा इन द क्लास. ओके, इसी तरह से अगर आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सुपरलेटिव का एक और एग्जांपल लेते हैं, तो आप देख लेना यहां पर ये निगेटिव बन गए, तो ये दोनों तो सिमिलर फॉलो कर रहे थे सुपरलेटिव और कॉम्पलेटिव, लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव डिग्री में आए या इनके अपोजिट चला गया, पहले तो सेंटेंस के ये अफर्मेटिव थे और ये निगेटिव हो गया. दूसरा यहां पर देखिए कॉम्प्लीमेंट, अगर आप देखिए तो एक तरह से गर्ल बाद में आ रहा था डिग्री के और यहां पर हमने पहले रख लिया, और मेरा जो सब्जेक्ट थी दोनों डिग्रीज में उनको हमने क्या बना दिया, पर कॉम्प्लीमेंट बना दिया. ठीक है, अब चलिए इसे हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर सुपरलेटिव और कॉम्पलेटिव के कॉम्बिनेशन को देखते हैं. मान लो कुछ इस तरह से दिया गया है, दिस कोचिंग इज बेटर देन मोस्ट अदर कोचिंग्स इन प्रयागराज. ओके, मान लीजिए एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को हम लोग अगर ये हमें सुपरलेटिव डिग्री में तो मिला नहीं, किसमें मिला हुआ है कॉम्परेटिव डिग्री है ना, और कॉम्परेटिव डिग्री के साथ यहां देन के बाद क्या आया है मोस्ट अदर. अब मान लीजिए इसे आपको चेंज करना पड़े सुपरलेटिव में, तो किस कॉम्बिनेशन में चेंज करेंगे, कॉम्बिनेशन याद रहेगा सारा चीज आसान हो जाएगा. जैसे ही आपने देखा मोस्ट अदर का कॉम्बिनेशन आया है, आप तुरंत समझ गए कि इसको हम वन ऑफ के कॉम्बिनेशन में लेकर जाएंगे. ठीक है, सुपरलेटिव में चेंज करते समय कोई प्लेस चेंज नहीं होगा और सेंटेंस की भी रिकॉर्ड प्लेसिंग सेम रहेगी. कैसे बनाएंगे सुपरलेटिव में, ये बन जाएगा दिस कोचिंग इज द बेस्ट, सॉरी ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन लेगा. ठीक है ना, ध्यान रखिएगा मोस्ट अदर आया है तो वन ऑफ द कॉम्बिनेशन लेगा, इज वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग्स. वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, इन प्रयाग राज. ओके, अगर आप यहां पर देखिए तो आपने वन ऑफ का यूज किया ना, मतलब आप ध्यान रखना कि अगर वन ऑफ के साथ सुपरलेटिव आया और कभी आपको कॉम्परेटिव में चेंज करना हुआ तो क्या यूज करेंगे, मोस्ट अदर या फिर मेनी अदर का यूज करते हैं. ठीक है ना, और अगर कभी कॉम्परेटिव में मोस्ट अदर मेनी अदर आया तो वन ऑफ की मदद से सुपरलेटिव को बनाते हैं. अब अगर आपको इसी सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करना हो जाएगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आप ध्यान रखिएगा इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको वेरी फ्यू बताया गया है. अब देखिए प्लेस चेंज हो जाएगा, यहां पर जो आपका कॉम्बिनेशन था अदर कोचिंग्स वो अब सब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है, तो क्या बनेगा, वेरी फ्यू कोचिंग्स आर एज गुड एज दिस वन भी आप लिख सकते हैं, दिस कोचिंग भी. हम लोग ज्यादातर प्रोनाउन का यूज करते हैं ना, तो दिस वन भी कर सकते हैं, वन प्रोनाउन होता है, या फिर आप कोचिंग भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वन लिखना बेटर होगा. इन प्रयागराज आप देखो इसमें एक बार फिर से आपने जो कॉम्बिनेशन लिया था
तो उसको आपने वेरी फ्यू में चेंज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर तो सर आपने निगेटिव लिया नहीं है ना, आपको तो यहां भी अफर्मेटिव लग रहा होगा कि सर यहां पर आगे भी अफर्मेटिव आया था, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में भी आपने अफर्मेटिव का कॉम्बिनेशन ले लिया था। नहीं बच्चा, सी एक्चुअली यहां पर आपने जो फ्यू वर्ड लिया है ना, ये फ्यू जो होता है वो सेमी निगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ हम लोग जनरली कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं लेते। तो जब यह खुद ही निगेटिव है तो दूसरा निगेटिव लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। इस तरह से हम सेंटेंसेस को चेंज कर लिया करते हैं। ओके, कुछ और भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जिनकी मदद से आप इन्हें ठीक से और एक्सप्लेन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप ध्यान में रखेंगे, बाकी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। विशेष ध्यान ये रखना है कि कौन किस में चेंज हो रहा है, अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा। सबसे जरूरी हमारे लिए इसी बात को ध्यान में रखना है। जैसे कभी कभी हमने आपसे बताया कि सम का कॉम्बिनेशन आ जाता है, अगर वो सम का कॉम्बिनेशन होता तो किस तरह से करते हैं, उसमें भी कोई अलग कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, जब सम का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या हो जाता है कि जो आपके लिए कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव आए होंगे वो ऑलरेडी नेगेटिव में होते हैं। ठीक है ना, और इसीलिए सम का कॉम्बिनेशन लेकर हम लोग अफर्मेटिव बनाते हैं। जैसे विद्या इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल गर्ल्स इन हर फैमिली। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हैं तो इस कॉम्बिनेशन में क्या आ पा रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन में आपको ये नेगेटिव सेंटेंस का कॉम्बिनेशन हो गया, जबकि सेंटेंस में आपने कौन सी डिग्री यूज की है, सुपरलेटिव। तो नेचुरल है आपको कॉम्परेटिव बनाने में तो दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, निगेटिव तो आप बना सकते हैं, बट सुपरलेटिव के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि आपको अपोजिट कॉम्बिनेशन में जाना पड़ेगा। अब चलिए इसको अगर हम लोग कॉम्परेटिव में बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, इस तरह से विद्या इज नॉट रखेंगे। ठीक है, नॉट the more the को रिमूव करेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ दी आर्टिकल जनरली नहीं लेता है, मोर इंटेलिजेंट देन सम, सम का कॉम्बिनेशन यहां पर ले रहे हैं हम लोग, सम गर्ल्स इन हर फैमिली। ओके, इस तरह के सम के कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग इसको चेंज कर दिया करते हैं, या सम के साथ आप अदर का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, सम अदर गर्ल्स इन हर फैमिली। अब अगर इसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहीं पर सम अदर को कॉम्बिनेशन बना लेंगे। ठीक है ना, सम गर्ल्स आर, यहां आर का यूज हो जाएगा, एस इंटेलिजेंट एस विद्या इन हर फैमिली। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो मैंने कॉम्बिनेशन यूज किया तो किस तरह से प्लेस को चेंज किया और सम के कॉम्बिनेशंस के साथ कैसे इसको हमने बनाने की कोशिश की। ओके, यहां पर कुछ और भी एग्जांपल्स को लेकर के आपको समझाने की कोशिश की जा रही है जिसके मदद से आप इसको समझ सके। यहां पर जैसे आप पहले सेंटेंस को ध्यान रखें, हम
लोग पिछली बार स्टडी कर रहे थे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सम के बाद आपको अदर्स का यूज करना पड़ेगा, अदर गर्ल्स। यहां जब हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब की बार हमने सीधे सीधे उसी सेंस को, ध्यान रखिएगा जो बात आपने यहां पर सम अदर गर्ल्स की मदद से किया था उसी को कभी कभी हम लोग एट लीस्ट की भी मदद से कर लिया करते हैं। अब जैसे यहां पर सेंटेंस आपको मिल गया, सम अदर फॉर्मर्स आर एट लीस्ट एज ऑनेस्ट एज सुरेश नाउ। सुरेश यहां कॉम्प्लीमेंट है और सम अदर फॉर्मर्स आपके लिए सब्जेक्ट बने हुए हैं। ठीक, जब आपको यहां पर एट लीस्ट का कॉम्बिनेशन मिल गया और आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो आप उसको परहैप्स की भी मदद से चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जैसे यहां पर चेंज कर रहे थे सम अदर गर्ल्स की कॉम्बिनेशन को लेकर के, उस तरह से भी चेंज। तो यहां पर हो गया परहैप्स मोर ऑनेस्ट देन सम अदर फार्मर्स नाउ। प्लेसिंग आप देखें, सुरेश यहां कॉम्परेटिव में सब्जेक्ट बन गया और सम अदर फॉर्मर्स क्या बन गए, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह से आप अगर सुपरलेटिव कॉम्बिनेशन को चेक करें तो सुपरलेटिव कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, दो चीजों का ध्यान रखिए कि कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव दोनों नेगेटिव बन चुके हैं, जबकि पॉजिटिव जो था वो अफर्मेटिव था। सुरेश इज नॉट द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफ, सुपरलेटिव के साथ ऑफ ऑल के साथ प्लूरल नाउन का कॉम्बिनेशन लेकर के चेंज किया गया, इसलिए कभी कभी इसको हम लोग एट लीस्ट में चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव में, और कॉम्परेटिव में इसकी इसी सेंस को चेंज करने के लिए हम परहैप्स का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस का स्टडी होता है और होपफुली ये बातें आपको क्लियर हो गई।